एक तरफ जहां टेलीकॉम कंपनियां बेहतर नेटवर्क सुविधा देने की होड़ में सभी शहरों में टावरों का जाल बिछा रही हैं, वहीं अब कंपनियां नियमों की अनदेखी कर रिहायशी इलाकों में भी टावर लगाकर आम जन की जान से खिलवाड़ करने पर आमादा हो गई हैं, जिसको लेकर बैरागढ़ के वन ट्री हिल्स निवासियों ने अपने पड़ोस में लग रहे मोबाइल टावर की शिकायत की है। प्रतिस्पर्धा की होड़ में मोबाइल टावर कंपनियां आम नागरिक की जान से खिलवाड़ करने पर आमादा हो गई हैं, जहां रिहायशी इलाकों में मोबाइल टावर होने से रेडिएशन से होने वाली परेशानियां और बीमारियां बढ़ रही हैं, वहीं टेलीकॉम कंपनियां लोगों को मोटी रकम देने का लालच देकर नियमों से खिलवाड़ करके टावर लगा रही हैं, जिसमें नगर निगम भी आंखें बंद करके इन कंपनियों को आम जन की जान से खिलवाड़ करने की परमिशन दे रही है। बैरागढ़ के वन ट्री हिल क्षेत्र में भी लगाए जा रहे एक ऐसे ही टावर की शिकायत लेकर वहां के रहवासियों ने बैरागढ़ एसडीओपी के पास पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। वन ट्री हिल क्षेत्र में जहाँ हनुमान मंदिर है वहां पर एक टावर खड़ा हो रहा है और वो बहुत कंजेस्टेड एरिया है उस क्षेत्र की, और उस क्षेत्र के रहवासी भी अभी हमारे साथ में है, लेकिन एयरटेल वालों से 3-4 बार मेरी और रहवासियों की मीटिंग भी हुई और उन लोगों को हमने समझाया कि आप जो है यहाँ पर टावर न लगाएं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो है कल रात को 2:45 बजे आके उन्होंने टावर खड़ा किया है, और टावर खड़ा करने के बाद जो है सुबह जैसे लोगों को रहवासियों को पता पड़ा तो उन्होंने विरोध करना शुरू किया और मेरे दरवाजे पर भी वो आए, क्योंकि मैं उस क्षेत्र का पार्षद रहा हूँ। तो मैंने उस परिवार को समझाया कि टावर आप बंद करवा दीजिए, तो इस वजह से हम यहाँ पर अभी एसडीओपी जी से हम मिले और एसडीओपी जी ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं जो है अभी ये काम बंद करवा दूँ। इन सभी लोगों ने एसडीओपी से तुरंत काम रुकवाने की मांग के साथ डॉक्यूमेंट की जांच करने की भी मांग की। रहवासियों का आरोप है कि अपनी छत पर टावर लगवा रहे चेलानी न सिर्फ रहवासियों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं बल्कि नियम विरुद्ध काम भी कर रहे हैं। हम हमारे घर के दा वन ट्री हिल्स पे हम एक टावर खड़ा कर रहे हैं, उसको मेट्रो टावर बोलते हैं, और गोपीलाल चेलानी उधर के ओनर हैं, उन्होंने वो मेट्रो का टावर अपने घर के छत पे लगवाया। तो आगे जो रेजिडेंशियल एरिया हम लोग उनके पड़ोसी हैं, हम लोग ये बोल रहे हैं कि उस जो टावर से जो रेडिएशन निकलती है उससे ब्रेन ट्यूमर कैंसर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हम वो चाह रहे हैं कि वो टावर नहीं खड़ा हो। अब उन्होंने वो 10 लोगों का कंसेंट लिया नहीं है और अपनी जो ज़मीन है वो लीज पे दे दी, तो हम वही बोल रहे हैं कि आप लोगों ने वो 10 लोगों का कंसेंट कहाँ पे दिया, क्यों नहीं दिया, और हम वही ट्राई कर रहे हैं कि वो टावर अब नहीं खड़ा हो, और अभी हम इस पे बात करने आए थे। इस सब को लेकर एसडीओपी का कहना है कि यह कार्य नगर निगम के अधीन आता है, लेकिन लोगों ने हमसे शिकायत की है तो हम मामला नगर निगम के सुपुर्द करके उचित कार्रवाई करने को कहेंगे, साथ ही विवाद ना सुलझने तक टावर का काम रुकवाया जाएगा। वहीं इस सब पर मकान मालिक का कहना है कि सभी काम लीगल किया जा रहा है, जिसके लिए सभी आवश्यक दस्तावेज और परमिशन ली गई हैं। जहां एक तरफ रहवासी रेडिएशन से होने वाली परेशानियों को लेकर चिंतित हैं, वहीं भोपाल नगर निगम भी आम जन की जान से खिलवाड़ कर टेलीकॉम कंपनियों को रिहायशी इलाकों में टावर लगाने की अनुमति दे रहा है, जो कि रिहायशियों की जान से एक तरह का खिलवाड़ है। क्या है टावर का मुद्दा, इस पर हम अपने संवाददाता कमलेश वरलानी से बात करेंगे। जी कमलेश, जानना चाहूंगी क्या है टावर का मुद्दा। मतलब ये वन ट्री हिल्स बैरागढ़ क्षेत्र में एक मोहन करके चंदना चेलानी करके ना है, उन्हें अपने छत पे लगवा दिया और उसमें लोगों से फर्जी दस्तावेज उन्हें साइनिंग करवा करके करके खुद ही ने साइनिंग कर दिए जी, और ना टावर खड़ा करवा दिया जी। तो वहाँ के जो क्षेत्र के नागरिक है वो नगर निगम कार्यालय भी गए थे, उसके बाद बैरागढ़ एसडीओपी कार्यालय भी गए थे और शिकायत की है जी। शुक्रिया कमलेश।